और साथ ही राजस्थान से एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं। मुन्नी जी ने हमें कॉल किया है। मुन्नी जी पूछिए अपना प्रश्न। मुन्नी जी आप हमें सुन पा रही हैं? चलिए लगता है इनसे हमारा संपर्क टूट गया है। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो, नमस्कार जी, नाम बताएं। मेरा नाम रविंद्र भारद्वाज है, मैं अलवर राजस्थान से बोल रहा हूँ। जी सवाल करें। सवाल ये है, मेरे गले में है ना वो मस्कुलर खिंचाव होता है कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं जी, और हल्का बाहर की तरफ पेन भी रहता है। अब वो भी स्थिर नहीं है कि एक पॉइंट पे हो, अभी बदलता रहता है जी। और ये मेरे करीब 3-4 महीने से है जी, ठीक है। अच्छा देखिए, अगर ये मस्कुलर है तो आप एक्सरसाइज बता देता हूँ, और ये अगर अंदरूनी प्रॉब्लम है तो एक मैं नुस्खा भी बताता हूँ। पहले आप एक्सरसाइज करें, ऐसे बैठे, ऐसे ऐसे 2 मिनट रोज करें, ठीक है, और ऐसे 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 2 मिनट रोज़ाना करें, और 10 दिन लगातार करें। 10 दिन में अगर कुछ रिज़ल्ट आ जाए, समझ लीजिए मस्कुलर है, आसानी से चला जाएगा। महीना 2 महीना ये एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। 5 बार गर्म पानी पिए दिन में, 5 बार खूब गर्म, जैसे चाय पीते हैं ऐसे गर्म पानी पीजिए, और मेथी लीजिए, मेथी ऐसे 500 ग्राम के करीब, और उसमें 100 ग्राम नमक कलौंजी मिलाएं। नमक कलौंजी एक नमक आता है जो कलौंजी से निकाला जाता है, इसे रसायन कलौंजी कहते हैं। इसमें 100 ग्राम मिला के आधा आधा चम्मच तीनों टाइम गर्म पानी से लें तो आपको फ़ायदा मुमकिन है जी। वाकई में उम्मीद करते हैं कि आपको अपनी समस्या का निदान मिल चुका होगा। एक और दर्शक हैं, अनिल जी ने हमें कॉल किया है बिहार से। अनिल जी सवाल पूछ सकते हैं आप। कीड़ा नहीं बनता है मैडम, धातु में कीड़ा नहीं बनता है, जिससे बाल बच्चे को उत्पत्ति में दिक्कत हो रहा है। कितनी उम्र है आपकी? 26-27। ठीक है, बिल्कुल नील है या कुछ है? एकदम नहीं है। ठीक है, तो देखिए जिनके बिल्कुल भी कीटाणु नहीं होते उनके भी स्किन में 5% पाए जाते हैं, लेकिन ये रोग है बड़ा मुश्किल। इसमें आदमी थक जाता है इलाज कराते कराते, लेकिन मैं आपको नुस्खा बताऊंगा। देखिए जितनी भी ये लुआब वाली चीज़ें ना, राले वाली चीज़ें, जैसे भिंडी, कच्ची भिंडी आप खा सकते हैं रोज़ाना 2 कच्ची भिंडी बिल्कुल, और ये जो पंजाबी लोगों में अक्सर खाते हैं राजमा, ये रोज़ 1-2 कटोरी खाया करें। ये वेजिटेबल के इलाज हैं, और इसके मुताबिक दवाएं भी बहुत आती हैं यूनानी में, आप उनका भी उपयोग कर सकते हैं। पहले घरेलू इलाज करें, जब अगर नहीं हो तो फिर आप यूनानी इलाज ले सकते हैं, और काफ़ी टाइम लगेगा लेकिन कुछ फ़ायदा होना, ज़रा सा फ़ायदा अगर आपको हो जाए समझ लीजिए पूरा फ़ायदा हो सकता है जी। सीमा जी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है, उत्तर प्रदेश से इन्होंने हमें कॉल किया है। सीमा जी क्या सवाल करना चाहती हैं आप? मैं उत्तर प्रदेश से बोल रही हूँ जी। वो हमें यह प्रॉब्लम है कि हमारे हाथ बहुत दुखते हैं जी। हाथ दुखते हैं जी, कुछ भी सामान नहीं पकड़ा जाता है, बस हाथ में से जो भी पकड़ते हो गिर जाता है। कब से ये ऐसा होता है, और एज कितनी है? एज कितनी है आप बताइए, हमारे हाथ बहुत ही ज्यादा दुखते हैं। बेटा आप अपनी एज बताइए, टेलीविजन की आवाज अगर आप बंद कर दें तो बड़ी आसानी हो जाएगी। ठीक है, अच्छा देखिए मेरी तरह बैठे ऐसे बैठ जाइए, और ये एक्सरसाइज आपको रोज़ाना करनी है 2-3 मिनट, एक साथ तो कोई भी नहीं कर सकता, तो एक एक मिनट करके 3 मिनट करें पूरे दिन में, और ऐसे
ऐसे ऐसे ये तो 3 मिनट करें। हो सकता है आपको दवा की ज़रूरत ही ना पड़े और वज़न ना उठाएं, कुछ दिन बहुत मेहनत ना करें उन हाथों से। ज़रूरत पड़े तो कैप्सूल टी केयर ले सकते हैं दिन में 2 बार नाश्ते और खाने के बाद कैप्सूल टी केयर, और वज़न बिल्कुल ना उठाएं। इलाज जब तक आप करेंगे, वज़न नहीं उठाएंगे इनसे ज़्यादा तो आपका ठीक होना मुमकिन है। जी हाँ, वाकई में तो वज़न नहीं उठाना है और उसके बाद ये पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं कि आपकी परेशानी जो है काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी। और साथ ही अपने तमाम दर्शकों के लिए ये भी बता दें कि जब आप हमसे कोई नुस्खे जानते हैं, हकीम साहब अगर आपको कोई दवाई बताते हैं, तो ऐसे में उसे आज़माना बेहद ही ज़रूरी है। जितने समय के लिए बताई जाए, जिस खुराक में बताई जाए, उसे ज़रूर आपको अपनाना है। ये भी आपको बता दें कि हकीम साहब बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं लेकिन उसके बावजूद आपके लिए समय निकालते हैं, तो आप का क्या फर्ज है कि जो भी नुस्खा है, जो भी दवाई है, आपको खानी है, समय पर खानी है और उसके बाद ठीक होने के बाद आपको हमारे इस कार्यक्रम में कॉल करके अपना फीडबैक भी जरूर देना है। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं, मुन्नी जी ने हमें कॉल किया है। मुन्नी जी सवाल कर सकती हैं आप। हेलो मुन्नी जी, सवाल करें। हेलो सवाल करें। हेलो नमस्कार साहब जी, आदाब मुन्नी जी। हेलो प्रश्न करें। हेलो नमस्ते। नमस्ते, सवाल करें, प्रश्न करें। साहब मेरे गैस होता है पेट में, बहुत दिनों से गैस होता गैस। ठीक है, इनके पेट में गैस होती है। ठीक है, आप गौर से सुनिए मेरी बात। गैस का दुश्मन है एक नुस्खा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ और वो अच्छा फायदा करता है और एक दो दिन से ही फायदा शुरू हो जाता है। आप समझ लें कि आपको करना क्या है। मेथी 500 ग्राम लेकर पाउडर बना लें, और एक आता है जैतून का रसायन, इसे जैतून का रसायन हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं एस्टेक जैतून, और हम आसान लैंग्वेज में कहते हैं नमक जैतून। ये देखने में नमक जैसा होता है, जायके में नमक जैसा नहीं होता, स्वाद में नमक जैसा नहीं होता। इसको 100 ग्राम 500 ग्राम मेथी दाने में मिलाकर पाउडर बना लें और आधा आधा चम्मच, छोटा चाय का चम्मच, दिन में 3 बार खाएं। खाने से पहले खाएं तो ज़्यादा बेहतर है, खाने के बाद भी खा सकते हैं, आपकी समस्या का निदान मुमकिन है। जी, एक और कॉलर है हमारे साथ, परशुराम जी ने हमें कॉल किया है मधुबनी से। उनकी समस्या क्या है आइए जानते हैं। जी सवाल करें अपना। देखिए हम आपसे गुजारिश करना चाहेंगे, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आपका ऑडियो जो है काफी कम है, थोड़ा सा जोर से बताएं क्या परेशानी है आपके साथ। जी प्रणाम। प्रणाम सर। जी आदाब, आप टेलीविजन की आवाज कम कर दीजिए प्लीज। हाँ सर, परेशानी है पेट संबंधी, बहुत जो है संकोच में परेशानी रहता है, कब्ज हो जाता है, दिन में गैस बन जाता है, एसिडिटी बन जाता है। जी ठीक है, ठीक है। देखिए गौर से सुनिए, आप टेलीविजन की आवाज बढ़ा रखी है आपने, अब बढ़ा लीजिए जितनी चाहें। देखिए अभी मैं हर प्रोग्राम में 3-4 बार कम से कम ये नुस्खा बताता हूँ, ये इतना अच्छा कार्य करता है कि लोगों की पुरानी से पुरानी परेशानी का निदान हो जाता है। लेकिन ज़रूरी है समझना कि मैं क्या कह रहा हूँ। मेथी का दाना हर किचन में, हर रसोई में होता है, ये 500 ग्राम लेकर पाउडर बना लें, और 100 ग्राम आपको एक रसायन लेना है जिसको जैतून का नमक कहते हैं, आसान लैंग्वेज में जैतून का नमक। ये नमक जैसा होता है देखने में लेकिन नमकीन नहीं होता, और जैतून का नमक 100 ग्राम भी आपको मिल जाए, ये एस्टेक जैतून या रसायन जैतून भी कहते हैं, इसमें मिलाकर आप आधा आधा चम्मच 3 बार खा सकते हैं, खाने के पहले बेहतर है, बाद में भी खा सकते हैं। इसमें तासीर ये है कि उसी दिन से आपको फ़ायदा शुरू हो जाता है,
और रोज़ाना बहुत सारा फ़ायदा होता है और आदमी जल्दी अच्छा हो जाता है। लेकिन आपसे निवेदन है कि आप जल्दी भी अच्छे हो जाएं तो आप इसको पूरा खा लें, जो मैंने 600 ग्राम आपको मटेरियल बताया पूरा खा लें ताकि आपको ये बीमारी दोबारा ना हो सके। और नागपुर से एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, सूरज जी ने हमें कॉल किया है। सूरज जी प्रश्न करें आप। हाँ जी मैम। जी सर, मुझे जुकाम की एलर्जी रहती है पिछले 4-5 सालों से। सूरज जी बता जी, बेटा आपकी एज कितनी है? 20 साल। और देखिए आप अपना खास ख्याल रखें, इस महामारी के माहौल में ऐसे लोग बहुत ख्याल रखें अपना। 5 बार गर्म पानी ज़रूर पिए और सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखें, सैनिटाइज़र ज़रूर करें, लोगों से ज़रा दूर रहें और माजून आर केयर सुबह शाम खाएं और 5 महीने तक खाएं, खट्टी चीज़ बिल्कुल छोड़ दें। वैसे तो ये माजून आर केयर आप की इम्यूनिटी को बढ़ाती है, जिसमें इम्यूनिटी की कमी होती है उसको ये परेशानी रहती है। खट्टी चीज़ ऐसे लोगों को नहीं खानी चाहिए और इम्यूनिटी की दवा तो हर शख्स को इस वक्त खानी चाहिए। अगर माजून आर केयर मिल जाती है तो सुबह शाम गर्म पानी से खाली पेट और रात को सोते वक्त ज़रूर खाएँ और जल्दी भी फ़ायदा हो जाए तो 5 महीने तक खाएँ कम अज़ कम, ताकि आप इस बीमारी से निजात पा सकें। जी राजकुमार जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं, बिहार से उन्होंने हमें कॉल किया है। राजकुमार जी क्या परेशानी है आपके साथ? नमस्ते मैडम। नमस्कार जी बताएं। मैडम ये हाथ और पैर में और सोने वक्त क्या होता है, ऐंठन होता है। जी उम्र कितनी है आपकी? उम्र 50। जी तो ठीक है मैडम, ये जो है आप अपना खूब ख्याल रखें और इस उम्र के बाद ये तकलीफ़ें आती हैं। देखिए एक तो इलाज वो है जो आप कर रहे हैं, दवा खाए जाओ और जिए जाओ, एक इलाज यूनानी है जिसके बाकायदा सेवन से हम पूरी तरह ठीक हो जाते हैं, लेकिन इसमें टाइम लगता है। गोंद स्याह नाम का एक पदार्थ आता है, एक गोंद आता है जो काले रंग का होता है, काला गोंद भी कहते हैं, ये असली लेना ज़रूरी है। बहुत कड़वा होता है लेकिन बहुत फ़ायदा करता है। आधा ग्राम सुबह आधा ग्राम शाम लिया करें खाने के बाद, और मेहनत करना छोड़ दें। और आपके घर में अगर वेस्टर्न टॉयलेट नहीं हो तो वो उसका ज़रूर लगवाएं इस उम्र में। और ये इलाज में वेस्टर्न टॉयलेट, ये कुर्सी वाला बाथरूम होना ज़रूरी है हर घर में। और ये आप 100 ग्राम भी अगर आपको मिल गया तो ये अपने ख़त्म होने से पहले आपके रोग को ख़त्म करने की सलाहियत रखता है। जी हाँ, तो लगातार हम अपने तमाम दर्शकों तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। और ये भी आपको बता दें कि यूनानी पद्धति की अगर बात की जाए तो इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं और इलाज थोड़ा सा लंबा ज़रूर हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये होता है कि यहाँ पर कोई साइड इफ़ेक्ट होने के अलावा जो बीमारी है वो पूरी तरह से जड़ से समाप्त हो जाती है। तो भरोसा रखना है, सब्र करना है और उसके बाद देखिएगा बीमारियों से किस तरह से आप छुटकारा पा सकते हैं। एक और दर्शक हैं, राकेश जी ने हमें कॉल किया है गाजियाबाद से। राकेश जी सवाल पूछ सकते हैं आप। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार जी। एक तो मेरे घुटनों में और कमर में और पैरों में चलने में दिक्कत आती है जी। क्या क्या उम्र है आपकी? मेरी उम्र 62 साल है जी, और एक तो चलने में बैठने में उठने में दिक्कत आती है और पेशाब करने में रुक रुक कर आता है और जलन रहती है पेशाब में। जी ठीक है। तो पेशाब के लिए तो रोज एक नारियल पानी पिया करें, बड़ा सा नारियल, तो पेशाब की परेशानी जा सकती है आसानी से। और इस रोग के लिए आप या तो नुस्खा खुद बना लें या मैं दवा भी बता देता हूँ। नुस्खा यह है कि काला गोंद एक बड़ा कामयाब गोंद कहलाया जाता है, जिसे गोंद स्याह भी कहते हैं। काला गोंद इंतहाई कड़वा होता है और मिल से मुश्किल से नकली भी बहुत मिलता है, तो असली काला गोंद अगर मिल जाए तो खाली 100 ग्राम ख़रीद लें, सुबह शाम आधा आधा ग्राम
पानी के साथ या बगैर चर्बी के दूध के साथ, या शुगर नहीं है तो जूस के साथ भी, या कभी पानी कभी जूस कभी दूध से ले सकते हैं। थोड़ा सब्र करना पड़ेगा, ये 5-7 दिन के बाद फ़ायदा शुरू करता है। और ये 100 ग्राम ख़त्म होने से पहले रोग मुक्त करने की सलाहियत रखता है।